दोस्तों आज करेंगे सिग्मा 14-24mm f2.8 DGDN लेंस का रिव्यू। अब ये लेंस जो है स्पेशली सोनी ई माउंट के फुल फ्रेम कैमरास के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। हालांकि इसमें एल माउंट का भी सेम लेंस आता है, लेकिन वो पैनासोनिक कैमरास के लिए होता है। क्योंकि मेरे पास में सोनी का कैमरा है, तो इसलिए सिग्मा इंडिया ने मुझे ये लेंस भेजा है। तो सबसे पहले सिग्मा इंडिया को बहुत बहुत शुक्रिया। अब चूंकि ये लेंस हमें सिग्मा इंडिया ने भेजा, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा जो रिव्यू है वो बायस्ड होगा। हमारा जो आज का रिव्यू है वो कम्प्लीटली अनबायस्ड रहेगा। जो चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगेगी वो मैं आपको ईमानदारी से बताऊंगा, और जो चीज़ मुझे ठीक नहीं लगेगी वो भी मैं आपको ईमानदारी से बताने वाला हूं, ताकि अगर आप एक अच्छा लेंस ढूंढ रहे हैं, वाइड एंगल लेंस या वाइड एंगल जूम लेंस, तो आपको डिसीजन लेने में थोड़ी सी आसानी हो। तो आज करेंगे इसका हम पहले फोटोग्राफी का टेस्ट, किस तरह के फ़ोटोज़ हम इस पर ले सकते हैं, किस तरह के फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए लेंस बना है, और फिर किस तरह की वीडियो शूट्स जो है इसके साथ हम कर सकते हैं, किस तरह की वीडियोग्राफी या फिल्म मेकिंग इसके साथ कर सकते हैं, वो भी हम कुछ सैम्पल फुटेज देखेंगे। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि भैया ये लेंस जो है किन लोगों के लिए ठीक रहेगा, और क्या ये लेंस वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, काफ़ी काम का वीडियो होने वाला है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए करते हैं जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग, देखते हैं किस तरह के पैक में हमें ये लेंस मिलता है। तो आप देख पा रहे हैं ब्लैक कलर का जो पाउच है उसके अंदर ये लेंस आता है। मैं जल्दी से खोल लेता हूँ, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दिस इज़ ब्यूटीफुल सिग्मा 14-24mm f2.8 DGDN लेंस। अब सबसे पहले बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो आप देख रहे हैं दिस इज़ ऑल मेटल एंड हार्ड प्लास्टिक, एंड इट फील्स वेरी प्रीमियम, वेरी सॉलिड एंड बिल्ड टू लास्ट। और जब मैंने इसे हाथ में लिया हुआ है तो बिल्कुल आपको लग रहा है कि आपने एक प्रो सिग्मा 8 लेंस अपने हाथ में लिया हुआ है। चलिए इसके लेंस कैप हटाते हैं, देखते हैं किस तरह का ये लेंस है। तो आप देख रहे हैं इसका जो फ्रंट एलिमेंट है ये कर्व्ड है, तो यहाँ पर दोस्तों आप किसी भी तरह का ND फिल्टर फ्रंट पे नहीं लगा पाएंगे। ये मुझे थोड़ा सा माइनस पॉइंट लगा, बट डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप इसके बैक साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर एक अलग से जो है आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर आपको ND फिल्टर्स यूज़ करने हैं तो जो बैक ND फिल्टर्स आते हैं वो आप यहाँ इस हिस्से में लगा सकते हैं, छोटे वाले ND फिल्टर्स, और आसानी से जो है आप जिस जैसे कि फ्रंट ND फिल्टर्स काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये जो बैक ND फिल्टर्स काम करते हैं, क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मेरे हिसाब से दोस्तों हाइदा के जो है वो ND फिल्टर्स काफ़ी अच्छे आते हैं, क्योंकि उसमें कोई कलर कास्ट का या नेटिंग का या हम कह सकते हैं कि और भी किसी तरह का इशू नहीं है, और बहुत ही हाई क्वालिटी ND फिल्टर्स वो हैं, तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर आगे की साइड में ये जो लेंस उड़ है ये इसमें लगाई जाती है, यानी कि बिल्ट इन है, तो आपको ऐसा आप इसको अलग डिटैच नहीं कर सकते। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपका जो लेंस है वो काफ़ी प्रोटेक्टेड रहता है, क्योंकि जब आप देखिए इधर से फोकस रिंग जो है इससे जब आप आगे पीछे करते हैं इसको, यानी कि फोकल लेंथ चेंज करते हैं, तो ये देखिए इस तरह से आगे पीछे लेंस जाता है। लेकिन ये जो लेंस आगे पीछे जाने के बावजूद भी जो है ये इसके अंडर रहता है, लेंस हुड के अंदर ही रहता है, तो इससे अनवांटेड जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो लेंस के अंदर जाने के चांसेस कम है। अब दोस्तों बात करें इसके साइज़ और वेट की, तो आप देख पा रहे हैं कितना छोटे साइज़ के अंदर ये जो लेंस आता है। सो आई एम वेरी मच हैप्पी विद द साइज़, बट इसका जो वेट है वो है 795 ग्राम्स, जो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा, थोड़ा कम होता तो ज्यादा बेटर रहता। अब दोस्तों यहां पर आपको मिल जाता है एक स्टैंडर्ड ऑटो फोकस और मैनुअल स्विच, इस तरह से आप अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी ऑटो फोकस मोड या मैनुअल फोकस मोड चुन सकते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बटन मिल रहा है, होल्ड बटन आपको, जिसे हम ऑटो फोकस लॉक भी कहते हैं। इसे आप डिफरेंट तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑटो फोकस ऑन वगैरह वगैरह। अब जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से आप इसे प्रोग्राम कर लीजिए। अब एक चीज़ मुझे और अच्छी लगी दोस्तों, वो है इसके अंदर आपको मिल जाती है जूम रिंग। ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो आपकी वीडियोग्राफी के अंदर और फोटोग्राफी में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब एक चीज़ मुझे जो है इसमें ख़राब लगी, वो इसके अंदर जो है इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, जो मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगा। बट यहाँ पर आपको इसके अंदर मिल जाती है अच्छी खासी वेदर सीलिंग, तो दिस लेंस हैज़ गॉट वेदर सीलिंग, जिससे आपकी लेंस जो है वो काफ़ी प्रोटेक्टेड रहेगी और इसकी लाइफ भी जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अब 14-24mm एक ऐसी फोकल लेंथ है जिसपे आप वाइड से लेके एक्सट्रीम वाइड एंगल शॉट्स ले सकते हैं। सो दिस लेंस इज़ परफेक्टली सूटेड फॉर लैंडस्केप फोटोग्राफी, इंटीरियर फोटोग्राफी एंड एस्ट्रो फोटोग्राफी।
तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो आपको इसकी परफॉर्मेंस अब तक कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ये लेंस मुझे ना केवल बहुत ही प्रीमियम लगा बल्कि इसके रिजल्ट्स भी अभी तक मुझे काफ़ी आउटस्टैंडिंग लग रहे हैं। अब ज़्यादातर वाइड एंगल लेंस के अंदर दोस्तों आपको डिस्टॉर्शन का इशू होता है या कई बार जब आप एडिट करने बैठते हैं तो कॉन्ट्रास्ट या तो बहुत ज़्यादा होता है या कॉन्ट्रास्ट होता ही नहीं है। तो ऐसा कुछ मुझे फील अभी तक तो नहीं हुआ। जिस तरह की परफॉर्मेंस आपको चाहिए इस लेंस से वैसा ये लेंस जो है आपको डिलीवर करता है। अब यहाँ पर मैंने 14mm से लेकर 24mm अलग अलग फोकल लेंस पे पिक्चर्स लिए एंड पिक्चर्स जो है मुझे हर फोकल लेंस पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ली, इमेजेस मुझे टैक शार्प मिली और आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे से जो है ये लेंस हर तरह की वेदर कंडीशंस में परफॉर्म कर रहा है। अब देखते हैं इस लेंस की और कैपेबिलिटीज़ का नमूना। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, मैं अभी बहुत टाइटर स्पेस में हूँ, एक थोड़ा सा रेस्टोरेंट है यहाँ पर रोड साइड, तो देखते हैं कि छोटी जहाँ पर जब स्पेस बहुत टाइट होती है, जहाँ पर जगह नहीं होती, तो ये जो वाइड एंगल लेंस है किस तरह से हमारी हेल्प करता है। लेते हैं कुछ पोर्ट्रेट्स। अब टाइट स्पेस में अच्छी खासी फोटोग्राफी करने के बाद अब सेम फोकल लेंथ यानी कि 14-24mm की जो फोकल लेंथ है उस पर आप अच्छी खासी रियल स्टेट फोटोग्राफी या आर्किटेक्चर फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। चलिए लेते हैं कुछ पिक्चर्स और यहाँ पर देखते हैं कि हमें फ़ोटोज़ जो हैं वो किस तरह से मिलती हैं। अब हम आ गए एक सैलून में और यहाँ पर लेते हैं कुछ इंटीरियर फोटोग्राफी के शॉट्स और देखते हैं कि सिग्मा आर्ट 14-24mm f/2.8 लेंस किस तरह से परफॉर्म करता है। अब तक जितने भी पिक्चर्स मैंने इस लेंस से लिए हैं, चाहे वो वाइड एंगल शॉट्स हों, चाहे टाइट स्पेस में हों, चाहे रियल इस्टेट पिक्चर्स हों या इंटीरियर फोटोग्राफी के, यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट की दोस्तों, इसका जो ऑटो फोकस है इट्स रियली वेरी गुड, सुपर साइलेंट और कह सकते हैं कि बहुत ही रिलायबल है, जैसा कि आप किसी भी सिग्मा के आर्ट लेंस से उम्मीद करते हैं एंड ऑलमोस्ट नो क्रोमेटिक एब्रेशन। तो ये चीज़ मुझे इस लेंस की बहुत ही अच्छी लगी। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरह से मैंने कुछ फोटोज़ जो हैं अनयूजुअल एंगल के साथ में लिए हैं। सो अपार्ट फ्रॉम रेगुलर फोटोग्राफी जो भी आप करें, चाहे वो वाइड एंगल शॉट्स हो, इंटीरियर्स हो, लेकिन अगर आप एक मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट्री टाइप की पिक्चर्स आप लेते हैं, थोड़ी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप फोटो शूट करना चाह रहे हैं, थोड़े से डिफरेंट एंगल्स के साथ में आप अपनी जो है स्टोरी कहना चाहते हैं, तो उसके लिए भी लेंस जो है ये काफ़ी अच्छा है। ये पिक्चर्स को आपकी काफ़ी आर्टिस्टिक भी बनाता है अनयूजुअल एंगल्स के साथ में। चलिए लेते हैं कुछ फूल पत्ती के शॉट्स और यहाँ मैं थोड़ा सा क्लोजअप जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसके अंदर जो है इसका मिनिमम फोकस डिस्टेंस है 28 सेंटीमीटर्स। तो मैं एक लेता हूँ पिक्चर, देखिए इस तरह से, और एक पिक्चर जो है दोस्तों मैं लेता हूँ यहाँ पर, देखिए इस पत्ती का, ये देखिए यहाँ पर एक पिक्चर और लेते हैं हम, और एक पिक्चर में लेता हूँ यहाँ पे एक छोटी सी फूल पत्ती का, देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये पिक्चर भी हमें मिल गया है और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड है यानी कि फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड का जो सेपरेशन है वो कितना अच्छा हमें मिला है। उसका कारण ये है कि दोस्तों दिस लेंस हैज़ 11 अपर्चर ब्लेड विद राउंडेड डायफ्राम, जिसकी वजह से ये बहुत ही स्मूथ बोके और बैकग्राउंड सेपरेशन आपके लिए क्रिएट करता है, खूबसूरत डेप्थ ऑफ फील्ड मिलती है और जो ब्लर बैकग्राउंड का ओवरऑल इफेक्ट है वो आपको बहुत ही कमाल का मिलता है। चलिए अब देखते हैं इसका कुछ वीडियो फुटेज और ये मैंने वाइड एंगल लेंस पे मतलब 14mm पे ले रहा हूं मैं, पूरा वाइड खोला हुआ है, तो आप देख रहे हैं किस तरह से जो हमें फुटेज मिल रही है। सो दिस लेंस इज़ वेरी गुड फॉर अगर आप रियल स्टेट के वीडियोज़ बनाते हैं वहाँ पर भी लेंस अच्छे से काम करेगा, अगर आपको कुछ लोकेशंस अच्छे से दिखानी है तो वहाँ पर भी ये लेंस बहुत अच्छे से काम करेगा। सो यू कैन सी द फुटेज, मैं आपको एज इट इज़ दिखा रहा हूँ जो कैमरा से, ये देखिए मैंने थोड़ा सा घुमा दिया है और यू कैन सी दिस। सो ओवरऑल आप देख रहे हो कितना वाइड है ये पूरा जो बीच का पॉन्ड, अभी आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो आई फाइंड दिस लेंस वेरी यूज़फुल। मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ उल्टे कदम से ताकि आप अच्छे से देख पाएँ इसका फुटेज, और कैसा आपको इसका फुटेज लग रहा है मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मैं गिम्बल के ऊपर ले रहा हूँ इस फुटेज को मेरे, और बहुत ही सिंपल रखा है मैंने ताकि एक आपको एक्चुअल फुटेज जो है वो समझ में आए।
अब जो आप शॉट देख पा रहे हैं दोस्तों, ये मैं कर रहा हूँ इस लेंस के साथ में व्लॉगिंग, और ऑलमोस्ट मैंने जो है 14mm के ऊपर इस लेंस को रखा हुआ है। सो आप देख रहे हैं कितना वाइड है, और अगर आप एक ट्रैवल व्लॉगर हैं तो उनके लिए भी ये लेंस काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा भारी मुझे लग रहा है इस वक्त पकड़ते हुए, बट दैट्स फाइन एज लॉन्ग एज आई एम गेटिंग वाइड एंगल व्यू। तो अगर आप ट्रैवल व्लॉगर हैं तो आप देख पाएंगे पूरी लोकेशन जो है आप पीछे की दिखा सकते हैं इस तरह से, जिस भी लोकेशन में आप या जिस जगह आप ट्रैवल कर रहे हैं अच्छे से, या किसी इंटीरियर के अंदर हैं या छोटी जगह पे हैं, तो वहाँ पर भी ये जो है इसके साथ आप अच्छे से व्लॉगिंग कर पाएंगे। आपको व्लॉगिंग की फुटेज कैसी लगी मुझे बताइएगा। अब कई बार ये हो सकता है कि मैं अगर थोड़ा पास आऊँ इस तरह से तो थोड़ा सा मेरा फेस या थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आपको दिखाई दे, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पर देखिए ये मैं ले रहा हूँ करीब 18mm के ऊपर, तो आप देखिए अब इस तरह से दिखाई दे रहा है 18mm पे भी। सो 18mm पे भी इट्स अ वेरी वेरी वाइड लेंस, और आप बहुत अच्छे से जो है इस पर व्लॉगिंग कर पाएंगे। उम्मीद है आपको दोनों वीडियो फुटेज अच्छी लगी होंगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ वीडियो आपको कैसी लगी। अब सवाल ये उठता है क्या ये लेंस वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो दोस्तों जो इसकी प्राइस है उस हिसाब से मैं आपको कहना चाहूँगा, यस ये एक वैल्यू फॉर मनी लेंस है। हाँ ये एक प्रीमियम लेंस है और एक प्रीमियम प्राइस के साथ आता है, बट अगर आप इनके कॉम्पिटिटर्स के लेंसेज देखेंगे तो उसके हिसाब से इस लेंस की कॉस्ट बहुत ही कम है और आपको इमेज क्वालिटी बिल्कुल वैसी ही मिलती है। तो यहाँ पर इमेज क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है। अब पर्सनली अगर मैं कोई भी लेंस खरीदता हूँ तो उसमें हमेशा दो चीज़ ज़रूर कंसिडर करता हूँ। सबसे नंबर वन चीज़ है इमेज क्वालिटी, और दूसरी उसकी जो है बिल्ड क्वालिटी। तो दोनों ही चीज़ें आपको इस लेंस में अच्छे से मिल रही हैं। तो अगर आप एक लैंडस्केप फोटोग्राफर हैं या आप रियल स्टेट फोटोग्राफी करते हैं, इंटीरियर शॉट्स बहुत सारे लेते हैं यानी कि इंटीरियर फोटोग्राफी करते हैं, फिल्म मेकिंग करते हैं आप, या आप प्री वेडिंग फिल्म्स बनाते हैं या वेडिंग शूट करते हैं, या जहां पर आपको लोकेशंस जो है वो बहुत खूबसूरती से दिखानी है, चाहे आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाते हों या डॉक्यूमेंट्री टाइप्स की फ़ोटोज़ लेते हो, कॉन्सेप्ट फोटोग्राफी करते हों, उन सब के लिए लेंस बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड में दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जितना पैसा आप दे रहे हैं उसके हिसाब से कहीं ज़्यादा अच्छी इमेज क्वालिटी आपको ये लेंस दे रहा है। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या ये लेंस मैं खरीदना चाहूँगा, तो बिल्कुल दोस्तों मैं ये लेंस ज़रूर खरीदना चाहूँगा, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे ना केवल एक अच्छी इमेज क्वालिटी मिल रही है बल्कि साथ साथ मुझे जो एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाला एक रॉबस्ट लेंस मिल रहा है वेदर सीलिंग के साथ में। और उसके अलावा दोस्तों इसके साथ में आसानी से मैं ट्रैवल कर सकता हूँ बिकॉज़ का जो साइज़ है वो बहुत ही स्मॉल साइज़ के अंदर है। हाँ इसमें कुछ नेगेटिव बात मुझे लगी, वो लगी मुझे कि भाई थोड़ा जिस हिसाब से इसका साइज़ थोड़ा छोटा है उस हिसाब से इसका जो वेट है वो मुझे हल्का ज़्यादा महसूस हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल आई फाइंड कि थोड़ा सा मुझे लेंस वेट में हैवी लगा, अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ सुपर्ब। सो आपका इस लेंस के बारे में क्या ख्याल है, आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी, इमेज क्वालिटी, ऑटो फोकसिंग ये सब कैसा लगा, चाहे इसकी फ़ोटोज़ हों चाहे इसकी वीडियो फुटेज हो, वो सब कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का रहेगा मुझे इंतज़ार, और इससे जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।